मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 11 करेंगे, बर्ड्स ऑन ट्री टॉप 15.8.2020। आप डेट डालेंगे इसमें। इसमें सबसे पहले ये जो मिसिंग लाइंस है ट्री की, आपने वो कंप्लीट करनी है इस तरह से। मिसिंग लाइंस कंप्लीट करने के बाद ये लीव्स आपने बना लेनी है। जहां जहां बनी हुई है लीव्स, उस हिसाब से आपने लीव्स बनानी है। ये ट्री पे हमारी सारी लीव्स बन गई हैं। अब हम बर्ड्स बनाएंगे। बर्ड्स के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बेलून लाइक शेप बनानी है। ये बेलून लाइक शेप आई, फिर यहां पर हमने उसकी बीक बना ली और यहां पर उसकी आई बना ली और यहां पे उसके पंख बना ली एंड देन उसकी टेल बनाएंगे। थोड़ा फिश लाइक बन गया है ये, ध्यान रखना है फिश लाइक ना बने तो दोबारा से उसको थोड़ा शेप दे लो। यहां पर इसके क्लॉज भी बना लेंगे, वन बार। फिर नेक्स्ट में हमने क्या करना है, थोड़ी ओवल शेप लेनी है हमने। नेक्स्ट हमने ओवल शेप बनाई, फिर इसके हेड पे हेयर बनाएंगे और यहां पर लीफ लाइक शेप आएगी उसके पंख की और नीचे ये थोड़ा ऊपर बनना था। यहां पे लीव लाइक शेप आएगी उसके विंग्स की और यहां पर छोटी छोटी आईज आएंगी और यहां पर उसकी बीक आएगी। ये हमारे बर्ड्स बन गए हैं। ये वाली बर्ड, फर्स्ट वाली बर्ड जैसी बनेगी, बस इसका मुंह इस साइड है। ये ओवर शेप से बनाई है हमने और इसके हेयर जैसे बनाए हैं, फ्रंट फेस बनाया है। इस बार ये लेफ्ट साइड से शेडिंग दी गई है, तो आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है शेडिंग डार्क कलर से। जैसे शेडिंग की गई है वैसे ही शेडिंग के स्ट्रोक्स दे दिए आपने। मोटे कलर हैं तो आप जो मोटे मोटे वाला साइड है वहीं पे शेडिंग दे पाओगे, बाकी में कलरिंग होगी। जहां कम जगह है वहां पे हल्के हल्के लाइन दे लेना डार्क कलर से और फिर लाइट कलर से हम भर देंगे उसको, स्पेस को। लाइट ब्राउन भर देंगे, लाइट ब्राउन और मीडियम ब्राउन और लाइट ब्राउन भरेंगे।
एंड देन यू विल मिक्स इट। यहाँ कॉर्नर में थोड़ा कम आ गया है, कॉर्नर से हमें डार्क कलर चाहिए, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं वहां पे हमारा डार्क कलर होना चाहिए। देन यू विल मिक्स इट वेल विद द लाइटेस्ट ब्राउन। ये हमने ट्रंक में भी कर लिया है, ट्विग्स में भी कर लिया है, और अकॉर्डिंग टू जो भी आउटलाइन हमने बर्ड्स की दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें कलर कर लिया है। अभी हमारा लीव्स का है, लीव्स मैंने पहले भी आपको सिखाई हुई है, डार्क ग्रीन के इस तरह से शेड देने हैं सारी लीव्स में, और लाइट ग्रीन से मिक्सिंग करनी है। इसके बाद हमने इस तरह से मिक्सिंग करनी है इसकी। आज टॉपिक नंबर 11 इज कंप्लीटेड नाउ एंड देन वी कम टू 12 टॉपिक कलर स्प्लैशेस। ये है 15/8/2020 आपने लिखना है डेट, और ये फेस बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसमें हमने ग्लो पेंट करना है। ग्लो पेंटिंग मतलब आप फूक से स्ट्रॉ लेके फूक मार के उसको कलर को फैलाना है। अगर आपके पास स्ट्रॉ है ठीक है, नहीं तो इसको आपने रोल कर लेना है इस तरह से, आपने रोल करके इसको इस तरह से लंबाई में रोल करना स्टार्ट करना है, इस तरह से आप रोल करेंगे इसको और इसका एक स्ट्रॉ बना लेंगे। ये आपने जैसे वो एक पोपो आता है ना आपका, बिल्कुल वैसा ही ऐसे आपने एक स्ट्रॉ फूक मारने के लिए एक स्ट्रॉ सा बना लेना है। या तो आपके पास स्ट्रॉ है तो आपने अपने स्ट्रॉ ही यूज कर लेना है जिसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अदरवाइज आपने ऐसे बनाना है। इसके ऊपर टेप लगा लेंगे आप, मैम ने एक बना के रखा हुआ है, इसमें टेप लगा ली हुई है, इसमें टेप लगा लेंगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है, ये माम का बना हुआ है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद हमने ब्राउन और रेड मिक्स कलर करके लेना है। हमने खाली ब्राउन भी ले सकते हैं हम। इस तरह से हमने इसके स्पॉट्स फेंकने हैं, उसके हेयर्स बनाने हैं हमने एक्चुअली। ध्यान रहे उसके फेस में ना जाए डॉट, उसके सिर के बाल ही बनाने हैं हमने, तो ये बाउलों में ही आने चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे फूक मारनी है। थोड़े से इसको उल्टा कर लेंगे, उसके सिर तक आने चाहिए। फेस में आ जाए तो उसको मिटा लेना, फेस में नहीं आने चाहिए। सिर पे आने के बाद आपने उसको फूक से फैलाना है। आप जैसे जैसे फूक मारते जाएंगे वो कलर फैलता जाएगा। अभी थोड़ा सा कम बना है, इसके सिर के पास थोड़े से डॉट्स और दे लेते हैं हम। फेस से मिटा लेंगे आप, और ये अब बन गया है ऑलमोस्ट।
इस तरह से आपने ये फूक मार मार के इसको बाल बना लेने हैं इसके। दिस पेज इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ। बाय बाय स्टूडेंट्स।